हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें एडसेंस अप्रूवल किस तरह लेना है, और मैंने आपको एडसेंस अप्रूवल का पूरा प्रोसेस बता दिया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है एडसेंस अप्रूवल का एक और प्रूफ, और साथ में मैं आपको एडसेंस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अब भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एडसेंस अप्रूवल के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सारी चीज़ें वो पहले कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा महत्व की चीज़ें हैं वो करते ही नहीं है, जिनके कारण उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊँगा लाइन बाय लाइन, कौन सी चीज़ आपको पहले करनी है, कौन सी चीज़ आपको बाद में करनी है, और सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप लेते हैं एडसेंस के लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एडसेंस का अप्रूवल एक ही बार में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ती है, और साथ में उन जो रिक्वायरमेंट है उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो कई लोग इनमें गलती करते हैं, तो उन सभी के लिए आज मैं ये वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टेप आपको कब ट्राई करना है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कस्टम डोमेन। जी हाँ दोस्तों, आपको एडसेंस का अप्लाई करने के लिए जब आप अपनी ब्लॉगर्स की साइट बना ले, तो उसमें सबसे पहले आप अपना जो डोमेन है कस्टम, उसको यहाँ पर लगा दे। सबसे पहले ये काम करें, आप अपना जो डोमेन है लगा दे, उससे पहले कोई भी काम ना करें। पहला जो काम है वो है आपको डोमेन लगाना। तो यहाँ पर डोमेन में आपको .com डोमेन है, .in है, .xyz और भी अदर कई सारे डोमेन आप डोमेन प्रोवाइडर साइट से बाय कर सकते हैं, और उन पर आप अपना वर्क कर सकते हैं। आपको सभी जो कस्टम डोमेन है उस पर अप्रूवल मिल जाएगा। आप फ्री का डोमेन बिल्कुल यूज़ ना करें, उन पर अप्रूवल नहीं मिलता है दोस्तों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आप blogspot.com के लिए जाएंगे तो आपको उसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अभी कस्टम डोमेन में आपको मैंने जो बताया उनको आपको फॉलो करना है। अब हम दूसरा जो स्टेप है वो जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है क्रिएट फॉर रिक्वायर्ड पेजेस। जी हाँ दोस्तों, आपको चार जो पेजेस आते हैं एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए वो क्रिएट करने हैं। उसमें सबसे पहला है अबाउट अस पेज, दूसरा पेज है वो है प्राइवेसी पॉलिसी, तीसरा पेज है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पेज है, और जो फोर्थ पेज है वो है कॉन्टेक्ट अस। दोस्तों, जब आप एडसेंस के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप अपनी कोई भी पोस्ट डालें उससे पहले आपको अपने पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले डोमेन लगाना है, उसके बाद तुरंत ही आपको चारों पेज अपने डाल देने हैं। उसमें भी ये जो दोनों पेज अभी मैंने सिलेक्ट किए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, उनको किस तरह बनाना है वो आप ध्यान से, मैंने जो वीडियो बना रखी है इस पर वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप जाएंगे तो आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर एडसेंस में देखने को मिलेगा। तो इन दोनों पेजों को अपनी साइट से रिलेटेड किस तरह बनाना है उन पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आगे का जो स्टेप है वो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर चार पेज आपने बना लिए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, डू ब्लॉगर रिक्वायर्ड सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको ब्लॉगर की जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स आती है उसको ध्यान में रखना है। रिक्वायर्ड सेटिंग की हम बात करें तो जैसे आता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे HTTPS अवेलेबिलिटी ऑन है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा सकते हैं डायरेक्ट और देख सकते हैं कौन सी सेटिंग्स आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है राइट 13 प्लस यूनिक पोस्ट। उसमें भी आपको इच पोस्ट 500 प्लस वर्ड की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 30 प्लस पोस्ट डालनी है अपनी साइट पर, और सारी की सारी आपकी पोस्ट है वो आपकी सही से और
यूनिक होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जो पोस्ट है उसमें से आपकी 20 पोस्ट भी पूरी यूनिक होगी और 10 आपकी कॉपीड होगी तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन आपको लिखनी 30 प्लस पोस्ट है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपका 80% जो कंटेंट है वो कॉपीड नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। 20% आप कहीं से उठाकर डालोगे फिर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको करनी है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये कंटेंट आपका बहुत ही बड़ा मैटर करता है एडसेंस में अप्रूवल लेने के लिए। उसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है क्रिएट एक यूनिक इमेज पर पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो इमेज अपनी जो साइट है उसमें इमेज ही नहीं डालते, और कई लोग डालते हैं तो गूगल से सीधा डाउनलोड करके डालते हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ ना करें, अपना जो इमेजेस है वो खुद बना लें ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल एक ही बार में मिल जाए। अगर आप कोई कॉपीराइट फ्री साइट से इमेज लेते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो मिलता था दोस्तों इस तरह पहले अप्रूवल, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें अगर आप एक बार में अप्रूवल लेना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप खुद से इमेज बनाकर डालो अपनी वेबसाइट पर। कुछ नहीं दोस्तों, आप पिक्सआर्ट से भी बना सकते हैं, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इजीली फोटोशॉप या कोई अदर ऐप यूज़ करके तुरंत ही ऐसे कोई भी बैकग्राउंड पे इमेज बनाकर डाल दोगे तो भी चल जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके इमेज जो सारे हैं वो खुद के होने चाहिए। कंटेंट कॉपी चलेगा 20%, लेकिन इमेज एक भी आपका कॉपीड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप है वो कस्टमाइज ब्लॉगर टेम्पलेट, ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो आपको कभी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आपको ऐसा जो टेम्पलेट यूज़ करना है, कोई भी फ्री टेम्पलेट आप यूज़ करते हैं तो भी आपको अप्रूवल तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अपना यहाँ से जो फुटर क्रेडिट है वो रिमूव नहीं करना है, आपको अपने पेजेस सारे लगा देने हैं और अपना मेनू बार भी आपको बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप मेनू बार बना ले और सारे पेजेस क्रिएट कर ले, उसके बाद एडसेंस के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा जो टेम्पलेट यूज़ करें जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड है वो वाइट है और उसके जो फॉन्ट है वो है ब्लैक, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका इसी तरह का कोई भी वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक फॉन्ट वाला टेम्पलेट फ्री वर्जन होगा तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल ईजीली मिल जाएगा। उसके बाद के अगर स्टेप्स की बात करें तो हमारा 7th जो स्टेप है वो है चेक रोबोटा txt, रोबोटा हेडर टैग और साइट ओपन विथआउट www. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई लोग गलती करते हैं इसमें कि अपनी साइट है इसमें ये सारी चीज़ें क्रॉस चेक नहीं करते एडसेंस का अप्रूवल लेने से पहले। तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे और सर्च प्रेफरेंस में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रोबोटा txt इनेबल्ड है, रोबोटा हेडर टैग्स है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए कि आपको कौन सी चीज़ें एडसेंस से पहले ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपका जो साइट ओपन विथआउट www. है वो आपको अपने डोमेन के साथ भी मिलता है अगर आप गोडेडी से बाय करोगे, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर जब आप एडिट में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है रिडायरेक्ट iswarai.com टू www.iswarai.com, तो इसको भी आपको इनेबल कर देना है और इसके बाद सेव कर देना है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, आप ये सारी चीज़ें अप्रूवल अप्लाई करने से पहले क्रॉस चेक कर ले। उसके बाद आता है सबमिट साइट मैप, दोस्तों ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। कई लोग क्या करते हैं कि साइट मैप अपना सबमिट नहीं करते हैं, उनको वेबमास्टर टूल के बारे में भी पता नहीं होता है तो वो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं अपनी साइट को अप्लाई करने, तो उन्हें एडसेंस में अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आ जाता है क्योंकि उन लोगों ने अपना साइट मैप सबमिट ही नहीं किया होता है और ना ही साइट को भी यहाँ पर वेबमास्टर टूल में सबमिट किया होता है। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप जाएंगे, साइन अप करेंगे और अपना साइट मैप है उसको डाल देंगे, बस इतनी चीज़ करनी है। अपनी URL है उनको भी ज़्यादा फेच नहीं करना है, सिर्फ साइट मैप सबमिट कर दोगे तो आपकी पूरी साइट वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपका जो साइट मैप है वो बना हुआ होना चाहिए और वहाँ पर सबमिट भी होना चाहिए। उसके बाद क्रिएट एडसेंस आफ्टर 13 डेज, दोस्तों ये मेन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, क्या करते हैं जब अपना ब्लॉग बनाते हैं तभी अपना एडसेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बार में एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आप अब तभी अपना एडसेंस क्रिएट करें जब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 30 दिन बाद जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो तभी अपना एडसेंस क्रिएट करें ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल एक ही बार में मिल जाए। दोस्तों ये मैंने खुद
पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि एक ही बार में मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया था, तो मैंने तब भी उसका एडसेंस बनाया था, तो मुझे एक बार में एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। और दोस्तों हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है अप्लाई फॉर एडसेंस। तो दोस्तों जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी होती है जो आपको, जैसे कि हमारी साइट वहाँ HTTP में आपको डालनी है, HTTPS नहीं डालनी है, वो चीज़ ध्यान रख लीजिए। और जब आप अप्लाई करें तो टाइम आप देख लीजिए, हम 6 बजे से 8 बजे के बीच करिए, ताकि आपको सिर्फ 1 या 2 दिन में एडसेंस का रिप्लाई आ जाए। तो दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखनी है, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आप किस तरह एडसेंस का जो रिप्लाई है वो इंस्टेंट ले सकते हैं। तो जब दोस्तों आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये थी एडसेंस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है अगर आप लोग वाकई एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो। गाइस तो मैंने जो एडसेंस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको बता दी थी। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो था वो वीडियो ऑन डिमांड था, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि आप अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है उन पर वीडियो बनाओ और आप लाइन बाय लाइन बताओ कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे और आपको आप इन स्टेप्स को अच्छी तरह फॉलो भी करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।